हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं समाकलन के अंदर क्लास ट्वेल्थ में नेक्स्ट फॉर्म खंड समाकलन के अंदर आती है। देखो फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है e की पावर x और एफ एक्स दे रखा है, एक उसका अवकलन भी दे रखा है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो जो इसका समाकलन होता है वो होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस रूप में अगर समाकलन आ जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्म है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ e की पावर x होना चाहिए, मतलब x का गुणांक एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो कैसे करना है, हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं एक बार। I इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, फॉर्मूला हम बाद में सीधा ही अप्लाई करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखो क्या है, मैं इस समाकलन के अंदर यूवी रूल लगा देता हूँ जिसमें हम f का अवकलन करेंगे, मतलब f को तो u मानेंगे और इसको v मान लेते हैं। तो क्या होगा, एफ एक्स कॉन्स्टेंट e की पावर x का समाकलन माइनस एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स e की पावर x का समाकलन e की पावर x डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस और माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस टाइप से ना हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि e की पावर x साइन x प्लस कोस x dx, इसका समाकलन करना है। तो देखो e की पावर x है या साइन x है और इसका अवकलन भी प्रेजेंट है, तो मैं इसके अंदर मान लेता हूं, माना एफ एक्स इक्वल टू साइन x, एफ डैश x करेंगे ना तो ये आ जाएगा cos x। तो क्या होगा, चूंकि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, देयरफॉर i इक्वल टू, तो e की पावर x आंसर आ जाएगा साइन x प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि x e x x प्लस वन होल स्क्वायर, मतलब वो फॉर्मेट बनी नहीं हुई e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लेकिन हम यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो क्या होगा, e की पावर x को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं वन ऐड कर देता हूँ, वन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि नीचे x प्लस वन होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ, x प्लस वन के नीचे इसको सेपरेट कर देते हैं x प्लस वन होल स्क्वायर, माइनस वन के नीचे सेपरेट कर देते हैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये पावर से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो देखो क्या होता है, जब इसका अवकलन करते हैं ना तो ये आ जाता है, तो मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, माना एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन। जब एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स वी स्क्वेयर, मतलब नीचे वाले का वर्क करना है, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले का अवकलन करना है माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है डी बाई डी एक्स, नीचे वाले का अवकलन करना है। तो वन का अवकलन तो होता है जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन का हो जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास है वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। रीजन लिख देंगे, सिंस e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये रीजन साथ में देना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, तो आएगा वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब मैं इसको हाफ एंगल में चेंज कर देता हूँ, तो क्या होगा, वन अपॉन टू कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स का हाफ एंगल होगा टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू,
और नीचे भी फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा हमने किया हुआ है, जब भी इस फॉर्मेट में आता है तो हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं। ये 2 से 2 कट गया, ये cos से 1 cos कट जाएगा, यहाँ dx है तो क्या आ जाएगा, e की पावर x 1/2 cos स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 और cos x बटे 2 आ जाएगा tan x बटे 2 dx। अब tan x बटे 2 का अवकलन करते हैं ना तो sec स्क्वायर आ जाता है। तो इस केस में ना मैं इसको मान लेता हूँ fx, माना fx इक्वल टू tan x बटे 2, तो f डैश x क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बटे 2 और x बटे 2 का क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, I बराबर e की पावर x fx, मतलब tan x बटे 2 प्लस c। यहाँ वही प्रॉपर्टी लिख देंगे, चूंकि e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये तो सिंपल सा ही है, इसका अवकलन यहाँ प्रेजेंट है। तो देखो क्या है, एफ एक्स मैं मान लेता हूं 1/x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा -1/x2। इसका अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स 1/x प्लस सी। यहाँ फॉर्मूला लिख देना साथ में, ठीक है। अब इसमें x माइनस 1 है, ऊपर x माइनस 3 है, e की पावर दे रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x माइनस 3 है ना, उसको लिख देते हैं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 3 dx। दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1 के नीचे ये सेपरेट हो गया x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 के नीचे सेपरेट हो गया x माइनस 1 की पावर 3 dx e की पावर x। तो ये इससे कटेगा तो आ जाएगा 1/(x-1)2 -2/(x-1)3, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो चेक करके देख लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं 1/(x-1)2, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो u बाई वी लगाते हैं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर 4 हो जाएगी, फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर को कांस्टेंट, 1 का हो जाएगा 0, 1 कांस्टेंट। अब x माइनस 1 होल स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 का होगा, फिर x माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, तो आ जाएगा -2x-1/(x-1)4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -2/(x-1)3। तो आई का मान क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, देखो क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, तो आई का मान आ जाएगा ई की पावर एक्स 1/(x-1)2 प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा सेक एक्स और ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका जो अवकलन है ना ये आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x sec x प्लस c, मतलब b ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट से है, देखो क्या है, tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है ना, होता है 1/(1+x2)। तो मैं इसमें मानता हूं, माना एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x, तो f डैश x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/(1+x2)। इसलिए जो i का मान क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स, एफ एक्स का मान है tan इनवर्स x प्लस c, साइड में फॉर्मूला लिखना है, ओके। सेकेंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट बोर्ड एग्जाम के लिए, e की पावर x को मैंने आउटर में लिख दिया, बाकी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/(x+1)2। अब ऊपर भी एक्स प्लस 1 चाहिए, एक्स प्लस 1 बनाने के लिए ना मैं एक्स स्क्वेयर में माइनस 1 कर देता हूँ, फिर प्लस 1 कर देते हैं, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे है एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर dx, ऊपर वाले के फैक्टर्स करते हैं,
फैक्टर होंगे तो क्या होगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। दोनों में अलग अलग कर देते हैं तो यहां अलग करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ये पावर से x प्लस वन कट गया तो क्या आ जाएगा, e की पावर x, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन प्लस टू अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखो इसका अवकलन करके देखते हैं ये आता है या नहीं, क्योंकि नीचे स्क्वायर आ रहा है ना तो अवकलन करेंगे तो नीचे स्क्वायर आता है। तो पहले मैं इसको स्टार्टिंग में मान लेता हूं fx हमारे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका अवकलन करेंगे uv फॉर्मूले से, u अपॉन v से, तो fx ये होता है v स्क्वायर मतलब x प्लस वन होल स्क्वायर। फिर v कांस्टेंट, नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करना है माइनस, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है नीचे वाले का अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर। याद रहेगा x प्लस वन, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस जीरो, एक्स माइनस वन इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस जीरो, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x प्लस वन, यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। x से x कट गया तो क्या आ गया, टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया। ठीक है, तो मीन्स क्या है, ये एफ डैश एक्स है यहाँ। अब देखो क्या है, इसलिए आई का मान क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। रीजन लिख देंगे, चूंकि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका जो आंसर होता है ये होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यूवी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं वन लेके, लेकिन मैं इसके अंदर देखो क्या करूंगा, मैं इसमें मान लेता हूं माना लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो लॉग की जो डेफिनेशन होगी यहाँ बेस ई होता है, तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ई की पावर टी, और डी एक्स आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। यहाँ वैल्यूज फिल कर देते हैं, लॉग लॉग एक्स की जगह फिल कर दिया टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह आ गया ई की पावर टी डी टी। ठीक है, हमें यह पता है कि लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो वन अपॉन होता है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, एक बार तो मैंने एक बटा टी जोड़ दिया और फिर एक बटा टी माइनस कर दिया प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, लॉग टी प्लस वन अपॉन टी, इनको सेपरेट कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ई की पावर टी वन अपॉन टी, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टी होता है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टी लॉग टी मतलब ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस वन अपॉन टी का होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब वैल्यू रखते हैं, ई की पावर टी की जगह तो रख दिया एक्स लॉग, टी की जगह रख दिया लॉग एक्स माइनस ई की पावर टी की जगह रख दिया एक्स और टी की जगह अपॉन में रख दिया लॉग एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, अदरवाइज जैसे बुक में कर रखा है यूवी फॉर्मूले से उससे भी कर सकते हैं बिना टी सपोज किए हुए। ओके, इस टाइप से आपने इस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मेट है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका समाकलन करना है तो आंसर आ जाता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।